अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टिक्की शाम की चाय हो, बीच का खाना हो या बच्चों को टिफिन में देना हो, टिक्की को सभी से प्यार है। सभी पसंद करते हैं टिक्की खाना, और यह टिक्की अगर हेल्दी टिक्की हो तो खाने का मजा दुगना होगा। तो आज हम टिक्की बनाने वाले हैं, तो चले देखते हैं। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। आलू लिए हैं मैंने 250 ग्राम। आलू को मैंने उबाल लिया है और उसके छिलके निकाल लिए हैं ठंडा करके। पोहा लिया है मैंने, पोहा का कोई मेजरमेंट नहीं है, हमें ये ब्रेड क्रम्स की जगह पोहा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पोहा को क्रश कर लेना है इस तरह से, बहुत महीन पाउडर नहीं करनी। और आज की जो टिक्की है वो बहुत ही हेल्दी टिक्की बनने वाली है। इसमें हम देंगे सूखे मेवे, तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं और किशमिश ली है। इसे हम क्रश करके टिक्की में देने वाले हैं, तो इसे हम क्रश कर लेते हैं। हम सबसे पहले आलू को मैश कर लेते हैं। आलू मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले देंगे। हरी मिर्च कटी हुई, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच से भी कम, काली मिर्च पाउडर, गोल्ड मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, काला नमक, नींबू का रस, धनिया पत्ता। इसे हमें अभी अच्छे से मिला लेना है। मसालों को और आलू को हमने मिला लिया है। अब हम इसमें देंगे क्रश किए हुए सूखे मेवे, इन्हें भी मिला ले। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक घोल बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया है, इसमें हम पानी देके इसका एक घोल बना लेंगे। पानी दे रही हूँ मैं, हमें गाढ़ा घोल चाहिए, पतला नहीं। घोल बनके तैयार है, अब हम इससे छोटी छोटी टिक्की बनाते हैं। हाथ से उठाएंगे थोड़ा थोड़ा आलू, आलू का मसाला इस तरह से छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे। दूसरी टिक्की, छोटे छोटे गोले हम छोटे छोटे टिक्की बना के लेते हैं पहले। इस तरह से मैं अभी सारी टिक्की बना लेती हूँ। टिक्की बन चुकी है, अब हम इसे कोट कर लेते हैं। आटे का घोल चाहिए अभी हमें, और क्रश किया हुआ पोहा। टिक्की को आटे के घोल में डालेंगे, अच्छे से डिप करेंगे और इसे क्रश किए हुए पोहा में कोट करेंगे। इस तरह से दूसरा, इस तरह से सारे टिक्की को मैं कोट कर लेती हूं। हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। आ गए हम गैस की तरफ, यहाँ पर मैंने पैन गरम करने रख दिया है। पैन में हम तेल देंगे, हमें शैलो फ्राई करनी है टिक्की को, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा तेल दे रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब टिक्की को रखेंगे। आंच को मैंने मीडियम रखा है। 1 मिनट बाद टिक्की को हम पलटेंगे। सारे टिक्की को पलट लिया है, अब दोनों साइड से हमें टिक्की को अच्छे से पकाना है। साइड से टिक्की अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म टिक्की खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूखे मेवे के साथ आलू की टिक्की और साथ में हरी हरी चटनी, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। आप भी इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं और इसे एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी टिक्की बनती है, आप ज़रूर ज़रूर बनाएं। अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अनुष्काज किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।